गाजा में पानी खत्म हो रहा है। गाजा में खाना खत्म हो रहा है। गाजा में गैस खत्म हो रही है। गाजा में बिजली खत्म हो चुकी है। गाजा में अस्पतालों की हिम्मत टूट रही है। गाजा के मुर्दा घरों में लाशें ही लाशें हैं। गाजा एक ऐसा नरक बन चुका है जिसमें 20 लाख से ज्यादा लोग बेचैन, बदहवास और परेशान हैं। गाजा के लोग भागना चाहते हैं। लेकिन आखिर भाग कर जाएं कहां? एक तरफ समंदर है, दूसरी तरफ इजराइल है। और तीसरी तरफ इजिप्ट है, जिसने अपनी सीमाओं को बेहद सख्ती से बंद कर दिया है। पीने के लिए अब समंदर का नमकीन पानी है। खंडहर बनते जा रहे गाजा का तापमान बढ़ता जा रहा है। हरेक छत हरेक दिन बीतने के साथ तबाह हो रही है। और इस खतरनाक तबाही से भी ज्यादा तबाही इजराइल के लड़ाकू विमानों के बम बरसा रहे हैं। इन सबके बीच वेस्ट एशिया के अंदर इजराइल ने तूफान मचा दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव मोड में आ चुकी है। गाजा पर हमले के लिए टैंकों की सेना तैयार हो चुकी है। इजराइल के उत्तर में लेबनन की सीमा पर हिजबुल्ला पर भी इजराइल डिफेंस फोर्स कहर बरपा रही है। और उत्तर में ही मौजूद सीरिया के बॉर्डर पर भी इजराइल मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। इजराइल इतना उग्र हो चुका है कि जैसे ही यह खबर आई कि ईरान के विदेश मंत्री सीरिया में दौरा करने वाले हैं, वैसे ही दमिश्क और एलेप्पो के हवाई अड्डों पर इजराइल ने बम बरसा दिया और इन हवाई अड्डों को ही तबाह कर दिया। इसका मकसद साफ है कि ईरान के जरिए हवाई जहाज से हथियारों के कार्गो विमान सीरिया में उतर ही ना सके। क्या वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है? इस सवाल का जवाब बहुत सारे एक्सपर्ट्स हां में भी देने लगे हैं। लेकिन इस वर्ल्ड वॉर की धुरी गाजा पट्टी बन जाएगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। युद्ध नीति कहती है कि अगर युद्ध जीतना है तो दुश्मन की सप्लाई लाइन काट दो, दुश्मन की रसद काट दो, दुश्मन का पानी काट दो, दुश्मन के ऊर्जा स्रोत खत्म कर दो, दुश्मन को हथियार पहुंचने की सारी संभावना खत्म कर दो। यही वजह है कि एक हफ्ते के करीब होने को है और गाजा के अंदर अब सारे सप्लाई रूट बंद हो चुके हैं। गाजा के अंदर इस वक्त के हालात ये हैं कि फिलिस्तीन के अरबी भाषा के अखबारों के मुताबिक गाजा में दवा की कमी 44% हो चुकी है। गाजा में बिजली की कमी 80% हो चुकी है। गाजा के अंदर 20% बिजली अभी तक जनरेटर से पैदा हो रही थी, लेकिन ईंधन की कमी की वजह से अब जनरेटर भी बंद होने लगे हैं और इसकी वजह से गाजा के अस्पतालों में इलाज में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि वहां बिजली की आपूर्ति में कठिनाई हो रही है। गाजा के अस्पतालों में नाकेबंदी की वजह से चिकित्सा उपकरणों की कमी 33% तक हो चुकी है। अस्पतालों के ब्लड बैंक में खून तेजी से खत्म हो रहा है।
अब सवाल ये उठता है कि आखिर गाजा में मौजूद 20 लाख से ज्यादा लोग क्या करेंगे। जाहिर सी बात है कि इजिप्ट की सरकार की तरफ से कूटनीतिक बयान ये आया है कि लोग गाजा पट्टी को नहीं छोड़ें, क्योंकि अगर गाजा खाली हो गया तो इसराइल जमीन पर कब्जा कर लेगा और फिर उनको वो जमीन वापस नहीं मिल पाएगी। ऐसे में अगर गाजा के लोग जहां हैं वहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर ये गाजा के लोग या तो ह्यूमन शील्ड बनेंगे यानी मानव कवच बन जाएंगे, जिसका इस्तेमाल या तो हमास के लड़ाके करेंगे या फिर ये लोग भी युद्ध में शामिल हो सकते हैं। इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हमास गाजा के लोगों को भी युद्ध लड़ने के लिए मजबूर कर दे। मैं इस वक्त इजराइल के जेरोत में हूँ। दरअसल खून इजराइल में भी बह रहा है और गाजा में भी, लेकिन असल खूनी खेल तब खेला जाएगा जब इसराइल की सेना गाजा शहर में पहुंचेगी और वहां दोनों पक्षों की तरफ से शहरी युद्ध होगा, यानी गुरिल्ला वॉर होगा गाजा शहर के शहरी इमारतों में। दूसरे विश्व युद्ध में ऐसा ही रूस के अंदर लेनिनग्राद और बर्लिन में भी हुआ था। ये एक अर्बन वॉरफेयर था जिसमें लेनिनग्राद और बर्लिन के अंदर इमारतों के अंदर से खूनी जंग लड़ी जा रही थी। जिसमें बेहद खतरनाक जंग हुई थी। हिटलर जैसे तानाशाह की मजबूत आर्मी भी इस अर्बन वॉरफेयर यानी शहरी युद्ध को नहीं झेल सकी थी। और कुछ ऐसा ही युद्ध अब गाजा के अंदर होने जा रहा है। जिन इमारतों को इजरायल ने हवाई हमले करके खंडहर में तब्दील कर दिया है, उसी इमारतों के अंदर से हमास के आतंकी खतरनाक गोरिल्ला युद्ध छेड़ने वाले हैं, जिसका अंजाम क्या होगा ये कहना इतना आसान भी नहीं है। फिलहाल स्थिति ये है कि इजरायल की फोर्स इंतजार करेगी कि जब तक गाजा के अंदर बिजली पानी और खाने की कमी से हाहाकार न मच जाए। हमास के आतंकियों को भूखा ही मार देना इजरायल की पहली स्ट्रेटजी है, इसीलिए गाजा के बॉर्डर पर सेनाएं खड़ी हैं और तब तक युद्ध शुरू नहीं करेंगी जब तक मोसाद के एजेंट उनको दुश्मन की सही जानकारी न मुहैया करवा दें। और इसीलिए ये युद्ध अभी लंबा खींचेगा, क्योंकि गाजा के अंदर घुसकर वहां सुरंगों में घुसे आतंकियों के जाल में फंस जाने का डर भी इजरायल को है। यही वजह है कि इजरायल एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। इजरायल इस बात को समझ चुका है कि गाजा की लड़ाई कठिन है, इसलिए इजरायल ने अपनी आर्मी की फुल स्ट्रेंथ बुला ली है। इजरायल की आर्मी में दो तरह के सैनिक हैं। पहले सैनिक इजरायल की एक्टिव आर्मी और दूसरे सैनिक हैं इजरायल की रिजर्व आर्मी। इजरायल के अंदर 50 साल से कम उम्र के लोग रिजर्व आर्मी के सदस्य होते हैं। सामान्य परिस्थितियों में इनमें से ये रिजर्व आर्मी साल में एक बार इजरायल के रक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट करती है, लेकिन अब इजरायल ने अपनी 3/4 रिजर्व फोर्स को बुला लिया है, यानी इजरायल की 3,60,000 की रिजर्व आर्मी और इजरायल की 1,50,000 की एक्टिव आर्मी को मिलाकर इजरायल कुल 5,10,000 सैनिक बुला चुका है।